स्टेट फॉरवर्ड में खुश आमदीद। टेसर टाउन फेस वन के हवाले से आज बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इस वक्त तकरीबन 8 लाख रुपए की कमी हो गई ज़मीन की कीमतों में और लोग भागना शुरू हो गए। जो बात हकीकत है वो बयान की जाएगी। इस वक्त ये है कि दिन बर दिन रोज़ाना प्राइस जो है वो तकरीबन गिरती जा रही और फेज़ वन की भी तकरीबन 8-9 लाख रुपए की कमी हो चुकी है। अप्रैल 2023 में ज़मीन की कीमतों में 8 लाख रुपए की कमी हुई है, ठीक है। और फेज़ वन की बात कर रहा हूँ, तकरीबन अगर आप देखें तो सेक्टर 79 की बात करें तो सेक्टर 79 के अंदर ही तकरीबन जो 20-22 लाख रुपए का प्लॉट था आज वो तकरीबन 13-14 लाख रुपए का मिल रहा है। 80 गज़ का प्लॉट ये मार्केट हो गई इस टाइम, 12 लाख का भी मिल जाता है पीछे की तरफ हो तो, ठीक है। तो इस वक्त ये है कि टेसर टाउन के हवाले से जिन्होंने लिया हुआ था वो भी बड़े परेशान हैं, वो भी चाह रहे हैं कि हम भी बेच बाज के अपना सरमाया जो लगाया है वो रिकवर कर लें। पर मगर ये है कि जितने का उन्होंने प्लॉट लिया था मार्केट तो अब नीचे चली गई है, उन्होंने उस वक्त का ख़रीदा हुआ था जब मार्केट इसकी चढ़ी हुई थी, अब लिहाजा वो भी अब कम कीमत के ऊपर बेचने पे मजबूर होंगे अगर उनको ज़्यादा ज़रूरत है पैसों की, नहीं तो वो भी लेके बैठे हैं और चाह रहे हैं कि हम या किसी न किसी तरीके से प्लॉट अपना सरमाया वापस हासिल कर लें बेच बाज के, क्योंकि अभी कीमतें बढ़ने के कोई असरात नहीं है बिल्कुल, क्योंकि असरात का ताल्लुक मुल्क से होता है, मुल्क के अंदर उसका ताल्लुक मुल्क की मईशत और कारोबार से होता है। जो सबके सामने ही है वो इस वक्त क्या सूरत चल रही है मुल्क की मौशी सूरत, तो लिहाजा है कि प्रॉपर्टी के काम के हवाले से आपको लेटेस्ट अपडेट्स देते रहेंगे। टेसर टाउन के हवाले से मैंने फेस वन के हवाले से आज आपको बताया कि तकरीबन जो प्लॉट 20-22 लाख रुपए का 80 गज़ का मिल रहा था आज उसकी कीमत इतनी हो गई है, मार्केट इतनी नीचे उसकी चली गई है। अब देखते हैं आगे के मजीद मार्केट के अंदर इसके अंदर कब तक बेहतरी मतवक्के है, पर ये साल तो पूरा जाएगा, इस साल तक तो कोई उम्मीद नहीं है, अगला साल के शायद कुछ बेहतर निज़ाम अगर हुआ मईशत का तो बेहतरी हो।